टूडे फर्स्ट अपडेट इज अब हार्दिक पांडेल उन्हें 10 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था एंड नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल टू थाउजेंड ट्वेंटी चीज को लेकर उन्होंने ट्वीट किया दिस ब्रिंग सो मेनी वंडरफुल मेमोरीज मुंबई वन खेड़ी पलटन फील्स गुड टू बी बैक तो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट विराट कोहली इन रिसेंटली विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें आप देख सकते हैं कि वो स्माइल करते हुए इंजर्ड दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया में ये पोस्ट बहुत ही वायरल जा रहा है कि विराट कोहली इज ओके okay ना बट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है पेड पार्टनरशिप विद पूमा इंडिया तो ये एक पेड पोस्ट है सो डोंट वरी सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट आलिया भट्ट तो आफ्टर रश्मिका मंदाना कैटरीना कैफ आलिया भट्ट का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक डी फेक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है दिस इज वेरी डेंजरस वैसे डी फेक को लेके एक कम्युनिटी तैयार की गई है लेट सी हाउ कैन दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट क्लैश बिटवीन सैम बहादुर एंड एनिमल मूवी

रणवीर कपूर हैदराबाद में एक इवेंट में गए थे जहां तेलंगाना मिनिस्टर रणवीर कपूर को कुछ बोलते हैं इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स बॉलीवुड एंड हॉलीवुड विल बी रूल्ड बाय अवर तेलुगु पीपल और वो आगे कहते हैं यू विल हैव टू शिफ्ट हैदराबाद टू मुंबई इज गॉटन ओल्ड आप देख सकते हैं कि ये सब सुनकर रणवीर हंस रहे हैं सो so, नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली तो हसन अली की विश है कि वो भी आईपीएल में खेलना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि एवरी प्लेयर वॉन्ट टू प्ले इन द आई पी एल दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड तो आपको क्या लगता है इस बारे में ऐसा कभी होगा सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट नीरज चोपड़ा तो so, नीरज चोपड़ा ने एक रीजनल ओ टी टी एप में इन्वेस्ट किया है कॉल्ड स्टेज ये कंपनी शार्क टैग में भी आई थी बेसिकली ये ऐप रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट प्रोड्यूस करता है लाइक हरियाणवी और राजस्थानी लैंग्वेज में सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट कंटारा मूवी तो आफ्टर कंटारा मूवी अगेन एक टीजर रिलीज किया गया है कंटारा मूवी चैप्टर वन के नाम से और इस टीजर को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और हाँ इस बार ये मूवी इंग्लिश मूवी में भी रिलीज होगी कि फॉरेनर भी इस मूवी को एंजॉय कर सके वैसे भी पहले से ही कंटारा मूवी ने वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ चुकी है वैसे ही टीजर आपको कैसा लगा कमेंट सिस्ट में बताना ना भूलिएगा सो अगेन नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट एनिमल मूवी सो ऑल गाइस नो एनिमल मूवी के ट्रेलर को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है बट इस ट्रेलर में एक ऐसा सीन था जो ऑडियंस को सही नहीं लग रहा था वो गन वाला सीन लोगों को लग रहा था कि वो एक सीजिया है बट ऐसा नहीं है वो एक्चुअल में 500 किलो की एक मशीन है जिसे बिल्ड करने में चार महीने का वक्त लगा है मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम रणवीर ने ये, ये मशीन देखी थी तो वो एकदम शॉकड हो गए थे सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड में भी एक नई गवर्नमेंट आई है आते से ही उन्होंने न्यूजीलैंड में स्मोकिंग पे लगे बैन को हटाने वाली है न्यू गवर्नमेंट का कहना है कि इससे लोगों को पे टैक्स कट में हेल्प मिलेगी न्यूजीलैंड के इस डिसीजन से हेल्थ एक्सपर्ट वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने स्मोकिंग पे लगे बैन को हटवाने वाली है फॉर टैक्स इशू सो so नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मोहराबाद का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जहाँ के एक हैंडपंप से सडनली व्हाइट लिक्विड निकलने लगा और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई फिर वहां के एस ने बताया कि यह सिर्फ पानी ही है जैसे ही वाटर की रिवेल्यूशन हो जाएगी साफ पानी आने लग जाएगा वैसे कई लोग इस वाइट लिक्विड को दूध भी समझ रहे थे सो नेक्स्ट सीरियस अपडेट इज अबाउट पंजाब लुधियाना पंजाब के लुधियाना के शोरूम में तीन साल की बच्ची अब नहीं रही बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि शोरूम में सीसीटीवी फुटेज में पता चला है कि शोरूम में वो लड़की अकेले घूम रही थी और ग्लास डोर जो था वो उसके ऊपर गिर गया जिससे उस लड़की की डेथ हो गई रेस्ट इन पीस सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट तमिलनाडु तमिलनाडु के मदुरई में सीसीटीवी में जहाँ आप देख सकते हैं कि दो लोगों ने हेलमेट में लिक्विड शॉप को लूट लिया पुलिस ने बताया है कि उन्होंने एक लाख रुपए और 48 लिक्वर बोतल लूट ली पुलिस अभी उन्हें खोज रही है नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट मामा अर्थ कंपनी तो अकॉर्डिंग टू सी बी एनसी न्यूज एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू सेल मामा अर्थ थर्टी वन लैख शेयर ऑफ कंपनी वर्थ वन फिफ्टी करोड़ ये शेयर फाइव टू सेवन परसेंट डिस्काउंट में बेचे जाएंगे मार्केट प्लेस से तो so, अगर आप शेयर बाय या सेल करते हैं तो आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ही इस शेयर को बाय कीजिएगा थैंक यू